वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं मयंक अग्रवाल और मैं आपके लिए लेके आया हूं क्या सीक्वेंस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोगों ने एपी के बारे में डिस्कशन किया था और एपी के अंदर हमने सबसे पहले जो लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि ये ईपी का मतलब क्या होता है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एक प्रोग्रेशन जिसमें किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा, ऐसे प्रोग्रेशन को दोस्तों हम कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए थे, जिसके बाद हमने डिस्कस किया था भाई हमें कैसे पता लगेगा कि कोई गिवन जो सीरीज है वो एपी है या नहीं है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था दोस्तों एपी की कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जहां पे हमने एपी की कोई भी पर्टिकुलर टर्म निकालना सीखी। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हम कर रहे थे एन की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस और वो हमारे खत्म हो गए थे। तो दोस्तों, अब मैं इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाऊंगा और आज आपसे एपी के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करूंगा। तो मान लीजिए, जैसे मैं पुराना क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगा आपको, तो क्वेश्चन है फाइंड which term of given series है 11, 15, 19 up to so on to is 155 is 155। तो ये पूछ रहा है, बताइए ये 155 इस एपी की कौन सी टर्म है। माने आपसे ये एन की वैल्यू पूछ रहा है, ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था एन की वैल्यू निकालने का सबसे इजी तरीका लास्ट माइनस फर्स्ट, माने 155 माइनस 11 डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितना है 4 और प्लस 1। अब आप इसे कैलकुलेटर पे आसानी से कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 155 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस 1, माने ये इस एपी की 37th टर्म है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हमने लास्ट क्लास में करे थे, बात समझ में आ गई दोस्तों। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं सेम क्वेश्चन है, दूसरे पेज पे ले लेते हैं, क्वेश्चन है फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी 155 157 150 147 up to so on to जीरो। माने ये आपसे पूछ रहा है, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, सत्तम परिदा और तानिया गुप्ता और जमीलुद्दीन, ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा, हाँ जी, फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। माने ये पूछ रहा है जीरो इस एपी की कौन सी टर्म है, जीरो इस एपी की कौन सी टर्म है। माने आपसे फिर वही एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर मैं एन की वैल्यू की बात करूं तो क्या करेंगे, लास्ट माइनस फर्स्ट कितना हो गया, जीरो माइनस 155 डिवाइडेड बाय डिफरेंस माने माइनस 4 और प्लस 1, माने दैट इज इक्वल्स टू माइनस 155 अपॉन माइनस 4 प्लस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 155 अपॉन 4 करेंगे और प्लस 1 करेंगे, यह आ गया 39.75। अब आप मुझे ये बताइए भाई, किसी एपी की ये जो जीरो है इस एपी की 39.75 टर्म, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं भाई। या तो 39th टर्म होगी या 38th टर्म होगी या 48th टर्म होगी या 41 टर्म होगी, पॉइंट्स में कैसे हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जीरो इस एपी में आएगा ही नहीं, इस सीरीज में आएगा ही नहीं,
जीरो इस सीरीज में नहीं आएगा। अच्छा अब अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, मैं क्वेश्चन कहूं आपसे फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब जरा पहले इस सीरीज को ध्यान से देखिए, तो दोस्तों ये सीरीज एक घटती हुई सीरीज है, बढ़ती हुई सीरीज नहीं है, ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है। 155 के बाद 151 के बाद 147, मतलब ये सीरीज धीमे धीमे नंबर्स क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, मतलब इसका मतलब ये कभी ना कभी नेगेटिव में तो पहुंचेगी, ये कभी ना कभी नेगेटिव में तो पहुंचेगी, ठीक है ना, ये ना कभी नेगेटिव में जरूर पहुंचेगी। जब ये नेगेटिव में पहुंचेगी तो मैं ये पूछ रहा हूं बताइए इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी टर्म होगी, विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अच्छा बेटा ये नेगेटिव में जाने से पहले कहीं ना कहीं जीरो भी आएगा, भाई जीरो के बाद ही नेगेटिव शुरू होगा क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो अगर मुझे इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म पता करनी है तो पहले मैं इसकी जीरो इसकी कौन सी टर्म होगी ये पता करी, वो निकल गया 39.75। माने अगर मैं इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात करूं, इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात करूं तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी भाई, जीरो इसकी 39.75 टर्म है, माने जीरो के बाद ही तो नेगेटिव आएगा, तो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, 48 टर्म होगी। इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, 48 टर्म होगी। बात समझ में आ गई या नहीं, बात समझ में आ गई। रंजन जी कह रहे हैं सर आपके मैथ्स के कंप्लीट लेक्चर यूट्यूब पर चलेंगे ना, मैं आपकी वीडियो से ही प्रैक्टिस कर रहा हूं। बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आप डेली लाइव क्लास में आइए आपको सब कुछ मिलेगा। मुझे ये वाली बात बताइए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म इसकी 48 टर्म होगी, और अगर मैं आपसे पूछूं इसकी लास्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी होगी, इसकी लास्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी होगी, तो जीरो से पहले वाली क्या होगी, इसकी लास्ट पॉजिटिव टर्म होगी। माने अगर मैं इससे आपसे पूछता लास्ट पॉजिटिव टर्म तो कौन सी होगी, तो सर होगी 39, तभी तो इसके बीच में कहीं जीरो लाई करेगा, तभी तो इसके बीच में कहीं जीरो लाई करेगा। बात समझ में आ गई सर, सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए, सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए, सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। प्रथा परिमाणिक पीजी फायर जी आप 2-3 क्लास से अब्सेंट थे, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। भाई अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्वेश्चन यही होता, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप ये चेक करेंगे ये घट रही है या बढ़ रही है, भाई 155 उसके बाद 151 उसके बाद 147, माने -4 होता जा रहा है और अगली टर्म पता लगती जा रही है, माने ये सीरीज डिक्रीज सीरीज है, माने घटती हुई सीरीज है, और जब घटती हुई सीरीज है तो इसका मतलब कभी ना कभी नेगेटिव तो होगी। तो ये कह रहा है बताइए इस एपी की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, तो हमने कहा नेगेटिव से पहले क्या आएगा, जीरो, तो पहले हमने पता कर लिया कि जीरो इसकी कौन सी टर्म है, तो जीरो पता करने के लिए कि जीरो इसकी कौन सी टर्म, हमने क्या करा, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस वन, ये निकल के आया 39.75। 39.75 का मतलब जीरो इस एपी में आएगा ही नहीं, क्योंकि एन की वैल्यू पॉइंट्स में तो कभी आ ही नहीं सकती। भाई आप ये तो कह सकते हो ये इसकी सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फिफ्थ टर्म है, अब आप ये कैसे कहोगे ये इसकी 10.5th टर्म है, ये तो गलत है, या तो 10th होगी या 11th होगी, 10.5th कैसे कह पाओगे आप। बात समझ में आ गई, इसका मतलब जीरो इस एपी में नहीं आएगा। अच्छा अगर नेगेटिव की बात करें तो जीरो के बाद ही तो नेगेटिव स्टार्ट होगा, तो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, ये 39.75 है, तो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, 48 टर्म होगी, इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, 48 टर्म होगी, और इसकी लास्ट पॉजिटिव टर्म इससे पहले वाली मानी 39th होगी। यहां तक सबको समझ में आ गया, परिता जी और पीजी फायर करके जो है
परिमाणिक, परिमाणिक जी और पीजी फायर करके बताया, अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए, समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। रंजन जी को भी समझ में आ गया। सर लोग बैठे हैं 13 लाइव, लाइक है 7, ये तो बड़ी नाइंसाफी है, ऐसी बातें मत करिए भाई, आप लोग सोलह के पिक्चर का डायलॉग बुलवा देते हो। चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड विच टर्म ऑफ एन एपी 132, 227, 222 is first negative term. Same question है, is first negative term. ये question है आपका, अब इसका solution निकालना है। हाँ जी सर बताइए सर क्या होगा इसका solution, इसकी first negative term कौन सी term होगी। तो पहले हम क्या पता करेंगे, पहले तो हम ये देखें कि ये सीरीज बढ़ती हुई है या घटती हुई है। तो ये सीरीज घटती हुई है, जब ये सीरीज घटती हुई है इसका मतलब कभी ना कभी नेगेटिव में तो जाएगी जाएगी। जब नेगेटिव में जाएगी, नेगेटिव से पहले क्या आएगा, जीरो आएगा, नेगेटिव से पहले क्या आएगा, जीरो आएगा, 100% श्योर बात है। तो हम पहले पता कर ले जीरो इसकी कौन सी टर्म है, हम पहले क्या पता कर ले जीरो इसकी कौन सी टर्म है। तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लास्ट माइनस फर्स्ट, माने 232 माइनस का डिवाइडेड बाय डिफरेंस कितने का हो गया, माइनस 5 का और प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 46.4 प्लस 1, माने n की वैल्यू आ गई 47.4। इसका मतलब ये जीरो इस एपी में नहीं आएगा। अगर मैं पूछूं फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, तो सर वो होगी 48th टर्म। लास्ट पॉजिटिव कौन सी होगी, तो वो 47 टर्म। यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया बेटा जी, यहां तक सबको समझ में आ गया तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया तो डी टाइप करिएगा। परिमाणिक जी बताए क्या प्रॉब्लम आ रही है, परिमाणिक जी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको बताना पड़ेगा। आप प्रॉब्लम लिख के भेजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 13th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एपी, फाइंड 13th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ एन एपी 7, 15, 23 अप टू सो ऑन टू ये हो गया 1023। ये 13 फ्रॉम टर्म फ्रॉम द लास्ट कह रहा है बेटा जी। परिमाणिक जी ऑप्शन से, मतलब ऑप्शन से कैसे करेंगे, जीरो पॉइंट से समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बेटा जी ऐसा है, ये एन की वैल्यू अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी है तो आपको दिक्कत हो रही होगी। बेटा किसी एपी की एनथ टर्म की बात करें तो वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना भाई। एन वो डी की वैल्यू हमेशा, एन की वैल्यू क्या होगी, एक कम चलेगी एनथ टर्म में। जैसे अगर मैं किसी एपी की 10th टर्म की बात करूं तो उस एपी की 10th टर्म होगी 9, ए प्लस 9d। अगर मैं 100th टर्म की बात करूं तो ए प्लस 99d। 12th टर्म की बात करूं तो a प्लस 11d। 5th टर्म की बात करूं तो a प्लस 4d। ऐसे ही nth टर्म की बात करूं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर फर्स्ट करिए, मुझे यहां से n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो
तो मैं क्या करूंगा, इस ए को उठा के इधर लेके जाऊंगा, माने ए एन माइनस ए, ये डी डिवाइड में चला जाएगा और ये माइनस वन इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहां से एन की वैल्यू निकल आई, माने हमने क्या करा, लास्ट माइनस फर्स्ट, तो जीरो माइनस 232 ये लिखा हुआ है, माइनस का 232 डिवाइडेड बाय डिफरेंस, डिफरेंस कितने का हुआ, माइनस फाइव का, ये डिवाइडेड बाय माइनस फाइव हो गया, प्लस वन का प्लस वन, तो एन की वैल्यू आ गई 47.4। माने ये जीरो इस एबी की 47.4 टर्म है। तो अगर मैं कहूं इसका मतलब ये जीरो इस एपी में आएगा नहीं, जब नहीं आएगा तो अगर मैं कहूं कि इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, तो वो होगी 48th, 48th इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, और लास्ट पॉजिटिव कौन सी होगी, 47th। बात समझ में आ गई बेटा जी। अब ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सर, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 13 टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से आपको इसकी 13 टर्म बतानी है। बहुत ध्यान समझिएगा, लोग इसमें बहुत बुद्धि लगाते हैं, बुद्धि लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको, फ्रॉम द लास्ट पूछा है ना। अच्छा अब ये बताओ, जो मैं आपसे पूछूं उसका जवाब दीजिएगा आप खुद, ये सीरीज बढ़ती हुई है या घटती हुई सीरीज है, माने इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। भाई 7 के बाद 15 आया, 15 के बाद 23 आया, माने डिफरेंस चल रहा है 8 का, यहां डिफरेंस चल रहा है 8 का, अगली टर्म फिर 8 के डिफरेंस पे आएगी, मतलब यहां आएगा 31, फिर अगली टर्म आएगी 8 के डिफरेंस पे, फिर आएगा 39, यही तो चलेगा। अगर मैं इस सीरीज को पलट के ऐसे करके घुमा के ऐसे कर दूं, उल्टा कर दूं इस सीरीज को, तो ये सीरीज अभी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जब इसको पलट के लिखूंगा माने 1023, तो ये सीरीज क्या होनी चाहिए, घटती हुई सीरीज होनी चाहिए। भाई अभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर मैं इसे पीछे से लिखना शुरू करूं तो ये घटती हुई सीरीज होनी चाहिए। माने अभी डिफरेंस चल रहा है प्लस 8 का, तो अब डिफरेंस चलेगा माइनस 8 का, माने अगली टर्म हो जाएगी 1015, अगली टर्म हो जाएगी 1007, अगली टर्म हो जाएगी 999, और अप टू सो ऑन, ये तो चलेगा। अब ये फ्रॉम लास्ट हो गई, ये फ्रॉम लास्ट हो गई, अब ये भी एक एपी बन रही है, यहां डिफरेंस माइनस 8 का है, यहां डिफरेंस क्या है माइनस 8 का है, तो इस एपी की 13 टर्म निकाल लीजिए। अब किसी एपी की 13 टर्म क्या होती है, किसी एपी की 13 टर्म क्या होती है, ए प्लस 12 डी, ए कितना है आपका 1023 प्लस 12 इंटू डी, 12 8 कितना होगा 96, तो माइनस का 96, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बचेगा 7, ये बचेगा 2 और ये बचेगा 9, ये आंसर करना, ये इसकी 13 टर्म फ्रॉम द लास्ट होगी। क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया सभी को, जितने भी बच्चे बैठे हैं बेटा जी सबको समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए, अगर समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए। भाई 15 लोग क्लास देख रहे हैं, 10 लाइक है, ऐसी बातें तो ना करो आप लोग। अगर क्लास आपको समझ में नहीं आ रही तो आप बता सकते हैं, लेकिन लाइक पूरे मिलने चाहिए, लाइक से क्या होता है एनर्जी आती है। सत्यम परिदा समझ में आ गया, चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं सर। अब याद करिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि अगर पीएट टर्म किसी एपी की क्यू है, क्यूएट टर्म कितनी है पी है, तो जरा उसकी आर एट टर्म बताइए, तो मैंने आपको बताया था पी प्लस क्यू माइनस आर होता है। ऐसे ही मान लीजिए किसी एपी की पीएट टर्म 1/q है और क्यूएट टर्म 1/p है, तो आर एट टर्म क्या होगी इसकी, आर अपॉन पी क्यू। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। बात समझ में आ गई सर, यहां तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है, मैं फिर पूछ रहा हूं, यहां तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, और बहुत ध्यान से तसल्ली से सुन के जवाब दीजिएगा। अच्छा मैं कहूं 3 5 7, क्या ये एक एपी है या नहीं है, क्या ये एक एपी है या नहीं है, जवाब दीजिए। अगर एपी है तो एम टाइप करिए, एपी ना हो तो डी टाइप करिए। क्या ये एक एपी है या नहीं है, यस लिख के भेज रहे हैं प्रथा जी, और सत्यम प्रथा जी भी एम लिख के भेज रहे हैं, माने ये एक एपी है। आपने कैसे पहचाना, आपने पहचाना ऐसे कि सर यहां डिफरेंस हुआ 2 का, यहां डिफरेंस हुआ 2 का, डिफरेंस सेम है तो ये एक एपी है।
ये तो कहना चाह रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से 5 - 3 = 7 - 5 क्या है, तभी आप एपी कह रहे हैं। बिल्कुल सेम वे में अगर मैं कहूं ए बी सी ये एपी में है, मैं कह रहा हूं ये एपी है, इट इज एन एपी, ये एक एपी है। जब ये एक एपी है तो मतलब क्या होना चाहिए, इनका डिफरेंस बराबर होना चाहिए बी माइनस ए बराबर क्या होना चाहिए सी माइनस बी के, बी माइनस ए बराबर क्या होना चाहिए सी माइनस बी के। अब बी को एक तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा सी प्लस ए। भाई ये बी नेगेटिव इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो बी और बी 2b और ये हो जाएगा सी प्लस ए। माने अगर बीच वाली टर्म का डबल, बीच वाली टर्म का डबल बाकी दो के सम के बराबर आया तो एक एपी बनेगी। बीच वाली टर्म का डबल बाकी दो के सम के बराबर आया तो एक एपी बनेगी बनेगी। जैसे देखिए यहां पे 5 का डबल 10 और इन दोनों का सम वो भी 10, मतलब ये एक 100% एपी है। और देख लीजिए क्वेश्चन कुछ आया, अगर मैं बात करूं जैसे मैंने ये कराया था, अब इसका डबल 30, इन दोनों का सम 30, ये एक एपी है। और देख लीजिए इसका डबल 454, इन दोनों का सम 454, तो ये एक एपी है। मतलब अगर बीच वाली टर्म का डबल बाकी दो एक्सट्रीम टर्म के सम के बराबर आएगा तो वो एक एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी, तो वो एक एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। सर ऐसा क्यों कराया आपने, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x - 3, 3x + 1, and 5x + 7 आर इन एपी। ये क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये तीनों टर्म एपी में होंगी। बेटा जी अब आप मुझे बताओ कोई तीन टर्म एपी में कब होगी। भाई जैसे मैं कह दूं अल्फा बीटा और गामा, ये तीन टर्म एपी में है तो इसका मतलब इसका डबल इन दोनों का सम होना चाहिए, 2 बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा होना चाहिए। अरे बात ठीक है, अगर मैं कहूं एक्स वाई जेड ये एपी में है, इसका मतलब क्या होगा वाई स्क्वायर सॉरी 2y बराबर क्या होगा एक्स प्लस जेड क्या होगा, 2y बराबर क्या होगा x प्लस जेड क्या होगा। बिल्कुल सेम वे में ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कहूं ये तीनों टर्म एपी में है मतलब क्या हुआ, इसका डबल इन दोनों का सम होना चाहिए। इसका डबल कितना हुआ 6x + 2, इन दोनों का सम कितना हुआ 7x + 4, भाई -3 + 7 करेंगे 4 आएगा। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए तो ये 6x इधर जाएगा माइनस का हो गया, x बचा ये 4 इधर जाएगा माइनस का हो गया, माइनस का 2 बचा, खत्म कहानी, आंसर आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई, जिस किसी को कोई डाउट हो वो डी टाइप करे और समझ में आ गया हो तो एम टाइप करे। अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। परिमाणिक जी क्या प्रॉब्लम है, डी लिख के भेजा है आपने, परिमाणिक जी क्या प्रॉब्लम है, परिमाणिक जी भाई ये मान ले ए, पूरी ये टर्म ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी टर्म हो गई। अब ये तीनों एपी में कब होंगे, जब इसका डबल माने 6x + 2 और इन दोनों का सम तो 2x और 5x हो गया 7x और -3 और +7 हो गया 4। परिमाणिक जी बताएं, बाकी सबको समझ में आ गया बेटा जी, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन देता हूं करके बताइएगा मुझे, मैंने क्वेश्चन कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट 2 - 7 एक्स
माइनस 25 वाई और जेड आर इन एपी, ये एक एपी में है। हाँ जी सर बताइए। अब मैंने क्वेश्चन को देखिए बिल्कुल चेंज कर दिया, मैंने कहा ये सारी टर्म एपी में है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें, हम शुरू की तीन टर्म ये लेके चलते हैं, अब ये कह रहा है ये एक एपी है तो इसका डबल इन दोनों का सम होना चाहिए, माने 2 प्लस x इक्वल्स टू माइनस 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 16 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 16 आ गई, ये x की वैल्यू माइनस 16 निकल आई, माने अब हो गया माइनस 2 माइनस 7 माइनस 16 माइनस 25 y और z आर इन एपी। अब आप खुद बताओ जरा बहुत ध्यान से देखना, मुझे यहां पे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये एक एपी बन रही है, डिफरेंस कितने का हुआ माइनस 9 का, डिफरेंस कितने का हुआ माइनस 9 का, चेक कर लीजिए आराम से, तो अगला डिफरेंस भी कितना होगा माइनस 9 का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 34, अगला डिफरेंस भी कितना होगा माइनस 9 का, तो अगला कितना हो जाएगा माइनस 43, मतलब ये किसकी वैल्यू निकल आई y की और ये किसकी वैल्यू निकल आई z की, x की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। बात समझ में आ गई या नहीं, किसी का कोई भी डाउट हो तो वो डी टाइप करे और समझ में आ गया तो एम टाइप करे। परिमाणिक जी किसी का कोई भी डाउट हो तो वो डी टाइप करे और समझ में आ गया हो तो वो एम टाइप करे। परिमाणिक जी आपने डी लिख के भेजा था, अभी तक पूछा नहीं आपने आपको प्रॉब्लम क्या है। किसी का कोई भी डाउट हो तो वो डी टाइप करे और समझ में आ गया तो एम टाइप करे। सत्ता परिदा जी ने एम लिख के भेजा है, समझ में आ गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब मान लीजिए, अब मैं क्वेश्चन कह रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा फाइंड एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 32, तीन और बत्तीस के बीच में आपको एक अर्थमेटिक मीन पता करना है। चौतीस और तैतालीस में डाउट है, क्या डाउट है पीछे, अभी फिलहाल ये क्वेश्चन देखिए पहले देख लीजिए, नहीं तो मेरा दिमाग वही घूमता रहेगा। भाई डिफरेंस चल रहा है माइनस 9 का, यहां से पता लग गया ये माइनस 9 कितना आएगा माइनस 16, अगेन माइनस 9 करने पे 25, अगेन माइनस 9 करेंगे तभी तो ये टर्म निकलेगी, तो माइनस 25 माइनस 9 करेंगे माइनस का 34, अगेन माइनस 9 करेंगे तभी तो ये टर्म निकलेगी अगली वाली माइनस 43। परिमाणिक जी आप चाहे कैलकुलेटर पे कर लीजिए, माइनस 25 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 34 आएगा, माइनस 34 माइनस 9 करेंगे तो माइनस का 43 आएगा। बात समझ में आ गई ना। हाँ जी, अब ये कह रहा है फाइंड एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 32। सबसे पहले बहुत ध्यान से समझिएगा कि अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब ये होता है कि वो नंबर जिसे रखने पे एक एपी बन जाए। देखिए दो टाइप के अर्थमेटिक मीन होते हैं, एक अर्थमेटिक मीन तो होता है स्टैट्स में, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक अर्थमेटिक मीन है ये एपी वाला, एपी का मतलब एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और यहां पे अर्थमेटिक मीन का मतलब है वो नंबर्स जिन्हें रखने पे क्या बन जाए एक कंप्लीट एपी बन जाए। माने आपसे पूछ रहा है फाइंड एन, एन माने यहां पे एक अर्थमेटिक मीन, ए एन एन वाला एक अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है 3 और 32 के बीच में, माने 3 और 32 के बीच में एक ऐसा नंबर पता करो जिसको रखने पे ये एक एपी बन जाए, जिसको रखने पे ये एक एपी बन जाए, तो अब क्या होगा इसका डबल इन दोनों का सम, माने 2a1 = 35, a1 की वैल्यू आ गई 35/2 का मतलब 17.5, चाहे 35/2 रहने दीजिए, ये आंसर आया। बात समझ में आ गई बेटा या नहीं। माने अर्थमेटिक मीन का मतलब ये है कि वो नंबर्स जिसे रखने पे क्या बने एक एपी बनेगी, ऐसे नंबर को हम कहेंगे अर्थमेटिक मीन। ये एक भी पूछ सकता है, एक से ज्यादा भी पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 32,
अब आपसे तीन और बत्तीस के बीच में तीन अर्थमेटिक मीन पूछे, कितने? तीन। माने थ्री ए लिख दिया आपने, थ्री ए लिख दिया आपने, 32 यहां लिख दिया आपने। अब इसके बीच में तीन नंबर प्लॉट कर दीजिए, ए वन ए टू ए थ्री, और यहां लिख दिया 32। अब ये क्या बन जाएगी? एक एपी बन जाएगी। भाई मैंने बताया था अर्थमेटिक मीन का मतलब वो नंबर्स जिसे रखने पे क्या बन जाए, एक एपी बन जाए। तो यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? अर्थमेटिक मीन कहलाएंगे। बहुत जरा ध्यान से तसल्ली से, इसका डबल इन दोनों का सम, इससे तो कुछ फायदा मिलेगा नहीं क्योंकि ए टू फिर दोबारा एक वेरिएबल क्वांटिटी है। इसका डबल इन दोनों का सम तब भी कुछ नहीं मिलेगा, इसका डबल इन दोनों का सम तब भी कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे करने से तो नहीं बनेगा। अब अगर मैं इसे एक एपी की तरह ट्रीट करूं तो यहां टोटल कितनी टर्म्स है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? तीन अर्थमेटिक मीन पूछे, दो टर्म ये हो गई, टोटल कितनी हो गई? पांच। चाहे गिन के देख लीजिए, पांच ही हो रही है। तीन अर्थमेटिक मीन पूछे, दो टर्म ये हो गई, टोटल हो गई पांच। चाहे गिन के देख लीजिए, एक दो तीन चार पांच टर्म हो गई। इन पांच टर्म में ये इसकी कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। और ये इसकी कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म। ये इसकी कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म। ये इसकी कौन सी टर्म है? फिफ्थ टर्म। अब किसी एपी की फिफ्थ टर्म क्या होती है सर? किसी एपी की फिफ्थ टर्म क्या होती है सर? सर किसी एपी की फिफ्थ टर्म जो होती है वो ए प्लस फोर डी होती है। माने ए प्लस फोर डी इक्वल टू 32 दे रखा है आपको, तो यहाँ पे ए की वैल्यू लगा दीजिए 3 प्लस 4d इक्वल टू कितना आ गया? 32। तो 4d की वैल्यू कितनी आ गई? 29। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 29/4। लेकिन मैं आपको बिल्कुल राय नहीं दूंगा कि आप एक एक स्टेप करके करिए, आप इसे डायरेक्ट करिएगा। a की वैल्यू 3 यहाँ लगाइए, 3 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 29/4, ये d की वैल्यू निकल आई। 29/4 ये d की वैल्यू निकल आई। अब आपको अगर नेक्स्ट टर्म निकालनी है, मान लीजिए आपको फर्स्ट टर्म 3 पता है, आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो आप इसमें क्या करोगे? d तो ऐड करोगे, तभी तो आपको a1 की वैल्यू पता लग जाएगी। माने अगर मैं a1 की वैल्यू की बात करूं तो a1 क्या होगा? 3 में फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दे 29/4, तो 4 3 जा 12 और 29 41/4। a2 में फिर दोबारा डिफरेंस ऐड कर दे अगर, तो हमें a2 की वैल्यू मिल जाएगी, माने 41/4 प्लस 29/4 70/4। a3 की वैल्यू बात करें, फिर दोबारा d जोड़ दें, तो फिर हमें एक नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, a3 क्या होगा? 70/4 प्लस 29/4 99/4। फिर दोबारा अगर मैं d ऐड कर देता हूं तो 32 आना चाहिए, चेक करें a4, हालांकि ये फोर्थ अर्थमेटिक मीन कह सकते हैं, तो 99/4 प्लस 29/4 9 दो 11 110, और 110 128/4 का मतलब 32 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई या नहीं? तो देखिए इसकी नेक्स्ट टर्म 32 आ रही है, माने ये एक एपी की फॉर्म बन रही है। चाहे आपसे तीन अर्थमेटिक मीन पूछे, चाहे आपसे पांच पूछे, भाई अगर मैं यहां तीन की जगह पांच अर्थमेटिक मीन पूछता, मान लीजिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड फाइव अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 62, दो और 65 के बीच में पांच अर्थमेटिक मीन पूछे हैं। दो और 65 नहीं, 67 ही ले लो, 2 और 67 के बीच में पांच अर्थमेटिक मीन पूछे हैं। तो अब देखा जाए 2 ये हो गया, 67 ये हो गया, A1, A2 अप टू सो ऑन टू कहां तक जाएगा? A5 तक। तो ये एक एपी बन गई। अब इस एपी में कितनी टर्म्स हो गई सर? इस एपी में कितनी टर्म्स हो गई सर? इस एपी में कितनी टर्म्स हो गई सर? 7 टर्म्स हो गई, 5 ये 2 ये, 7 टर्म्स हो गई। अब ये इसकी फर्स्ट टर्म है और ये इसकी सेवंथ टर्म है। अब किसी एपी की सेवंथ टर्म क्या होती है सर? किसी एपी की सेवंथ टर्म होती है a प्लस 6d, माने 2 प्लस 6d बराबर 67।
सिक्स डी बराबर 65, डी की वैल्यू 65 अपॉन 6, सही है ना, डी की वैल्यू कितनी आ गई 65 अपॉन 6। अब अगर मुझे ए वन पता करना है तो क्या करूंगा, इस ए के अंदर ये डी को जोड़ दूंगा, माने 2 प्लस 65 अपॉन 6 ये ए वन हो गई। ए टू जो निकल गया उस ए वन के अंदर फिर 65 अपॉन 6 जोड़ दीजिए तो ए टू निकल आया, और ऐसे ये चलता रहेगा। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, और समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। एम एम, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अर्थमेटिक मीन, एपी के अंदर अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा, अब हम दोस्तों बात करेंगे एपी के सम वाले क्वेश्चंस की। सम वाले क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन दिमाग में आया, मैं आपसे पूछ लेता हूं। क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ, इफ द रेशियो ऑफ एनथ टर्म ऑफ टू डिफरेंट एपी, इफ द रेशियो ऑफ एनथ टर्म ऑफ टू डिफरेंट एपी इज is 3n plus 1 ratio 4n plus 5, then find the ratio of their 10th term, then find the ratio of their 10th term। अब आपको nth term का ratio दे रखा है, ये आपसे 10th टर्म का रेशियो पूछ रहा है, तो सीधे सीधे n की जगह क्या लगा देंगे, 10 लगा देंगे। भाई आपको nth टर्म का रेशियो दे रखा है, माने ये भी एक nth टर्म है, ये भी एक nth टर्म है। अगर मैं आपसे सेकंड टर्म का रेशियो पूछता तो आप n की जगह 2 लगाते, अगर मैं फर्स्ट टर्म का रेशियो पूछता तो आप n की जगह 1 लगाते, ऐसे ही अगर आपसे 10th टर्म का रेशियो पूछा तो आप n की जगह क्या लगाएंगे, 10 लगाएंगे, तो सीधे सीधे 10 लगा दीजिए। तो रेशियो ऑफ देयर 10th टर्म क्या होगा, एन की जगह 10 लगा दीजिए, 31 और 45, क्या आंसर आ गया, 31:45। बात समझ में आ गई सर? समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। बहुत बढ़िया जी, नहीं परिमाणिक जी ने डी लिख के भेजा है, भाई क्या हो गया परिमाणिक जी, परिमाणिक जी ने डी लिख के भेजा है, वजह बताइए परिमाणिक जी। या तो आपने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे, आप पहले के लेक्चर्स देखिएगा जाके, आप चैप्टर को मिड से उठाएंगे तो बेटा दिक्कत होगी, क्योंकि मैं किस कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ ये थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि मैं अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं फॉर्मूले के भाव पे पढ़ाता ही नहीं हूँ, ठीक है ना। एक बार इसके पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि nth टर्म का मतलब क्या होता है, नहीं तो फिर आगे तक आप परेशान ही रहेंगे, इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से, आपसे परिमाणिक जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ किसी एपी के n टर्म्स का सम। भाई उल्टा पढ़िए इसे, m एपी माने किसी एपी के, ऑफ माने का, n टर्म्स का सम, किसी एपी के n टर्म्स का सम। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी होता है दोस्तों Sn equals to, ये होता बेटा n by 2 2a plus n minus 1 into d, n by 2 2a plus n minus 1 into d। अब बहुत ध्यान से तसल्ली से समझिएगा बेटा जी, n by 2 2a plus n minus 1 into d, अगर मैं बात करूं
तो हियर एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स से है, ठीक है ना। ए का मतलब यहां फर्स्ट टर्म से है, डी का मतलब यहां डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, या इसे कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं हम। एस एन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। बात समझ में आ गई सर, क्लियर हो गई बात। बात समझ में आ गई सर। अच्छा अभी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, अगर हम अच्छा जनरली देखें तो इस टू ए को, इस टू ए को क्या मैं ए प्लस ए में तोड़ सकता हूं, इस टू ए को क्या मैं ए प्लस ए में तोड़ सकता हूं। भाई टू एक्स बराबर, माने टू ए का मतलब टू मल्टीप्लाई बाय ए, माने ए ऐड होगा कितने टाइम्स, टू टाइम्स ए प्लस ए। अच्छा आगे वाली टर्म जरा ध्यान दीजिएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो जरा ध्यान दीजिए मैं किसको राउंड ऑफ कर रहा हूं, ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जो है ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ए एन हो गया, माने एनट टर्म हो गई, ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या हो गया, एनट टर्म हो गई। तो अगर मैं चाहूं तो यहां से एलेबरेट करके ये भी कह सकता हूं कि सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू एन बाय टू, और ध्यान से देखिए इस टू ए को मैंने ए प्लस ए में तोड़ लिया और ये पूरी टर्म को मैंने नाम दे दिया ए एन, और ये ए ऐसे ही, माने ए प्लस ए एन का मतलब लास्ट टर्म, ए एन का मतलब क्या हो गई, लास्ट टर्म। बात समझ में आ गई या नहीं, माने अगर किसी एपी की आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बताओ तो कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, नहीं पता है लास्ट टर्म कोई बात नहीं, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, लेकिन अगर लास्ट टर्म आपको पता है तो आप ये अप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा, किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, किसी का कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। सत्यम प्रदा जी एम, परिमाणिक जी एम, बहुत बढ़िया बेटा जी, आगे बढ़ते हैं, आइए सीधे सीधे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, इसको पहले दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, पहला 11 प्लस 15 प्लस 19 अप टू सो ऑन टू अप टू 38 टर्म्स। पहले एक पार्ट समझते हैं फिर आगे के पार्ट की बात करेंगे, इसका सब निकालना है। हाँ जी सर, अब किसी एपी के सम ऑफ एन टर्म्स की बात करें, किसी एपी के सम ऑफ एन टर्म्स की बात करें तो वो क्या होता है, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, एक तो ये होता है। दूसरा एक मैंने अभी आपको और ड्राइव कराया, क्या सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल्स टू एन बाय टू और ए प्लस एल, एल का मतलब यहां किससे है, लास्ट टर्म से। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए, क्या आपको यहां पे लास्ट टर्म पता है, मुझे जवाब देना पड़ेगा हाँ या ना का, क्या इस सीरीज में आपको लास्ट टर्म पता है, क्या इस सीरीज में आपको लास्ट टर्म पता है, सर लिख क्या रहा है, नहीं नहीं पता। ये जो दे रखा है दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, द
दैट इज नॉट द लास्ट टर्म. यहां पे क्या आपको लास्ट टर्म पता है? नहीं पता है. दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स. 38 इज नॉट द टर्म. ये कह रहा है इसका सम निकालना है अप टू 38 टर्म्स तक, माने जब तक 38 टर्म सारी लिखिए और उन सबको जोड़ के बताइए. तो यहां पे हमें लास्ट टर्म तो पता नहीं है. जब लास्ट टर्म पता नहीं तो हम इसको तो अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे. हम कहेंगे भाई तुम तो जाओ अपने घर, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म के बारे में नहीं पता. हम एन पता है, ए पता है, लेकिन लास्ट टर्म नहीं पता. या तो एक तरीका है कि पहले आप इसकी लास्ट टर्म माने, इसकी लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी? 38th टर्म इसकी लास्ट टर्म होगी. तो पहले आप 38 टर्म निकाल लीजिए, फिर वैल्यू लगा दीजिए, तब भी आंसर निकल आएगा. दूसरा तरीका सिंपल वाला, सम ऑफ एन टर्म्स करने का तरीका देखिएगा, एक लाइन में आंसर निकलना चाहिए. करने का तरीका देखिएगा, एक लाइन में आंसर निकलना चाहिए. माने सम ऑफ एन टर्म्स माने सम ऑफ 38 टर्म्स निकालना है. तो क्या था एन बाय टू माने 38 बाय 2 तो 19 में डायरेक्ट लिखूंगा मैं, तो 38 बाय 2 लिख नहीं रहा. 38 बाय 2 का मतलब कितना हो गया? 19 हो गया. तो मैं दोबारा भाई क्यों लिखूंगा 38 बाय 2? सीधे सीधे 19 लिखूंगा जब कट जाएगा. तो 2a का मतलब कितना हो गया? 22 प्लस n माइनस वन का मतलब हो गया 37 इंटू डिफरेंस. डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? 4 का. तो 37 इंटू 4, 4 थ्री जो 12 और 7 4 जो 28 148 और ये क्लोज. बात समझ में आ गई बेटा जी? 148 और 2 150 और 170. 170 इंटू 19 तो सम ऑफ 38 टर्म्स आ गया 3230. बेटा जी यहां पे अगर समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आए हो तो D टाइप करिए. यहां तक समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए. यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए. M बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं. ऐसे ही अब एक दूसरी सीरीज देता हूं, करके देखिएगा आप अपने हैंड पे और आंसर बताने की कोशिश करिएगा. दूसरी सीरीज 13 plus 19 plus 25 up to 97 टर्म्स करिए जरा इसका आंसर बताइए. माने हमें निकालना है सम ऑफ 97 टर्म्स. अब फिर वही वाली बात पूछता हूं, क्या इसमें आपको लास्ट टर्म पता है? क्या इसमें आपको लास्ट टर्म पता है? नहीं पता है भाई. दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज नॉट द लास्ट टर्म. दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, साफ साफ लिखा भी हुआ है 97. माने ये किसकी वैल्यू हो गई? एन की वैल्यू हो गई. ये किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू हो गई. डिफरेंस कितने का हो गया? 6 का हो गया. हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे? फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकल आएगा. तो सम ऑफ 97 टर्म्स क्या हो जाएगा? 97 अपॉन 2, नहीं कट रहा ऐसे लिख दिया. 2a का मतलब 26 प्लस n माइनस 1 माने 96 इंटू डिफरेंस कितने का? 6 का. इसको सॉल्व कर लीजिए. 96 इंटू 6 प्लस 96 इंटू 6 प्लस 26 इंटू 97 और डिवाइड बाय 2. तो ये आ गया s 97 आ गया 29197. यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए. यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए. यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो M टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो D टाइप करिए. क्लियर हो गई बात? चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं इसका थर्ड पार्ट. क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी. नीचे दी हुई एपी का आपको सम निकालना है. पहला पार्ट
पहला पार्ट 183 प्लस 181 प्लस 179 अप टू सो ऑन टू अप टू 111 टर्म्स 111 टर्म का सम निकालना है अप टू सो ऑन टू 111 टर्म। बहुत आराम से तसल्ली से समझेगा। अब सम ऑफ 111 टर्म निकालना है। अब इसमें हमें लास्ट टर्म तो बता नहीं, तो a प्लस l तो लगाएंगे नहीं। 111 अपॉन 2 2a का मतलब हो गया 366 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स है 111 माइनस 1 करेंगे 110 रह जाएगा इनटू डिफरेंस कितने का है डिफरेंस है माइनस 2 का डिफरेंस है माइनस 2 का मतलब ये हो जाएगा 111 अपॉन 2 और 366 माइनस 220। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर निकल आएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा जी? अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। अगर समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। यहां तक सबको समझ में आ गया हो तो एम टाइप करिए, समझ में ना आया हो तो डी टाइप करिए। बहुत बढ़िया जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट कह रहा है एटीन सेवनटीन एंड टू बाय थ्री सेवनटीन एंड वन बाय थ्री अप टू सो ऑन टू अप टू फिफ्टी फोर अप टू फिफ्टी फोर नहीं 108 टर्म्स ऐसे कर लो 108 टर्म्स का सम निकालना है इसका। बहुत आराम से तसल्ली से समझिएगा। अब फिर वही वाली बात, मैं आपसे बार बार एक ही चीज पूछ रहा हूं, क्या इसमें आपको लास्ट टर्म पता है? नहीं पता है, मतलब ये आपके हो गए नंबर ऑफ टर्म्स, ये आपके हो गए फर्स्ट टर्म, डिफरेंस आपका हो गया कितना माइनस वन बाय थ्री का, भाई करंट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे तो आपको डिफरेंस पता लगेगा। ये सारी चीजें मैं आपको शुरुआत में करा चुका हूं, ठीक है ना? तो सम ऑफ 108 टर्म्स क्या होगा 108 अपॉन 2 2a का मतलब 36 प्लस n माइनस 1 का मतलब हो गया 107 और डिफरेंस कितने का है माइनस 1 बाय 3 का, तो यहां माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया बाय 3 लगा दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर निकल आएगा। समझ में आ गया सभी को बेटा जी? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छा अब हम इसके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। जैसे एक सीरीज है 15, 19, 23 अप टू सो ऑन टू प्लस 399। आप जरा ध्यान से देखिए, यहां कहीं भी टर्म्स नहीं लिखा हुआ है, माने ये इस एपी की एक टर्म है। कौन सी टर्म है? लास्ट टर्म कह सकते हैं इसको। ये इस एपी की कौन सी टर्म हो गई? लास्ट टर्म हो गई। भाई ये फर्स्ट टर्म, तो ये इसकी क्या हो गई? लास्ट टर्म हो गई। हमें इस एपी का सम निकालना। अब जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पे एन मिसिंग है, और अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ एन टर्म्स का बेसिक फॉर्मूला था एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, या फिर हम क्या कहते थे, सम ऑफ एन टर्म्स इक्वल्स टू एन बाय टू और ए प्लस एल। अगर मैं इन दोनों कॉन्सेप्ट की बात करूं, इन दोनों कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो दोनों में एन बाय टू तो आना ही है, माने एन की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है। अब ये इस एपी की कौन सी टर्म है? सबसे पहला काम तो ये पता करना पड़ेगा कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, माने आपको एन की वैल्यू निकालनी है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की वैल्यू निकालनी है। अब एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते थे? लास्ट
माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट माने 399 माइनस 15 डिवाइडेड बाय डिफरेंस 4 का और प्लस 1, तो 399 माइनस 15 अपॉन 4 प्लस 1 97, माने ये 97 निकला है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको सम ऑफ 97 टर्म्स निकालना है, तो क्या होगा n बाय 2 माने 97 बाय 2, आप चाहे तो ये लगाए चाहे तो ये लगाए क्योंकि आपको इसमें लास्ट टर्म पता है, तो इनटू में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म माने 15 और 399 40414, बस ये आंसर आ गया 15 प्लस 399 40414। बात समझ में आ गई बेटा या नहीं, क्लियर हो गई बात? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। पीजी फाइव ने क्यू नंबर 181103 कहां से लिखा, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। 97 इंटू 414 और डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 20079, ये इसका आंसर आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, ठीक है ना? यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक आप सबको समझ में आ गया बेटा जी? क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आ गया? इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट वाले पार्ट, ये वाले पार्ट में क्या दिक्कत है, वो जो भी आंसर है आंसर से मुझे कोई मतलब नहीं, आंसर तो आप कुछ भी सॉल्व ही तो करना है बेटा जी। इसको 366 माइनस 220 कर दीजिए, 146 बचेगा, 146 into 111 divide by 2 कर दीजिए, कैलकुलेटर पर आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में एपी का टॉपिक कोशिश करेंगे खत्म करने की। कल आपका एपी खत्म हो जाएगा, उसके नेक्स्ट क्लास में जीपी की स्टार्टिंग करेंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। 15 बंदे हैं लेकिन लाइक जो है वो 13 ही है, ये तो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मुलाकात करेंगे। और हाँ, वही लॉ सर नितिन सर वाली बात, जाने से पहले ऐसे नहीं टाटा ओ बाय बाय सी यू अगेन, सर बोलते वो तो टैलेंट उन्हीं का है, कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे दिन, ठीक है ना? चलिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच।